हेलो फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, और आपका गार्डन कैसा चल रहा है? समर में हमारा गार्डन, हमें कुछ एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है अपने गार्डन का, और साथ ही साथ चाहे जितने प्लांट हो जाते हैं फ्रेंड्स, मगर हमें अपने गार्डन में किसी न किसी प्लांट की कमी लगती है। और जब भी नर्सरी जाना होता है तो चाहे हम एक ही दो प्लांट लाएँ, पर लाते ज़रूर हैं, मगर समर में आप जो भी प्लांट लाइए, हार्डी लाइए। इस पर मैंने वीडियो भी डाला हुआ है कि समर में आपको कैसे प्लांट लेने चाहिए और कैसे नहीं, मतलब आप सीडलिंग भी मत करिए। इस पर आप मेरा वीडियो देखिएगा, मैं डाल दूंगी लिंक, और आप समझ जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट है गर्मी में, सॉरी बहुत ज़्यादा हीट है मौसम में, और गर्मी में हमें जो प्लांट लाने हैं वो काफ़ी चूज़ करके लाने हैं। और आप जो प्लांट लाएँ वो ऐसे हार्डी प्लांट लाएँ जो कि आपके रिपोर्ट करने पर मरे नहीं। और इन्हीं से जुड़ी क्या क्या बातें हैं वो मैं आगे बताऊँगी आपको। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ आज की नर्सरी शॉपिंग, बहुत ही छोटी सी शॉपिंग है, मगर फ्रेंड्स इनमें कुछ आपको जो समर में आपको शॉपिंग करते समय ध्यान रखना है, प्लांट्स लेते समय ध्यान रखना है, वो बातें आज मैं अभी डिस्कस करूँगा आपको ये शॉपिंग दिखाते हुए। तो यहाँ पर मेरा ये पहला प्लांट मैं दिखा रही हूँ, ये है चिली का प्लांट है फ्रेंड्स, मिर्ची का प्लांट है ये, ऑर्नामेंटल चिली कहकर आपको मिलेगा, और काफ़ी चीप प्राइस पे ये मिल जाता है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। मुझे सिर्फ 20 रुपये में ये मिला है, और इसी तरह ये मिलता है काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में ये मिल जाता है, और बहुत ही हार्डी प्लांट है, और ये आपको पूरे साल इसी तरह चिलीज प्रोड्यूस करता है। और ये गोल वाली मिर्ची है, और बहुत ही अच्छी होती है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है ये, और आपको दूर से ऐसा लगेगा कि चेरी वगैरह लगा है, ऐसा लग रहा है छोटा सा चेरी का प्लांट है, तो काफ़ी खुश खुश ये सुंदर भी लगता है। और अगर खूबसूरत होने के साथ साथ ये फूल तो नहीं देता है, मगर फूल जैसा ही लगता है हमारे गार्डन में, जैसे कि ग्रीनरी बहुत आपको दिखेगी मेरे गार्डन में। कुछ फूलों की कमी सी है, क्योंकि समर में थोड़ा सा इतना ज़्यादा मौसम में हीट है कि प्लांट भी क्या करें, और कुछ कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर देते हैं, और कभी कभी उनमें फ्लावरिंग नहीं दिखती है। लेकिन आप जब इस तरह के प्लांट हम लाते हैं तो काफ़ी अच्छे से आपको ये ग्रीनरी भी देते हैं, साथ में ये देखिए कितने प्यारे इनके कलर हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये एक प्लांट मैंने लिया है, और समर में आपको प्लांट लेते समय यही ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो हार्डी प्लांट हैं उन्हें हमें लेना है, और रिपोर्ट करने में क्या सावधानी रखनी है वो मैं अभी आगे आपको बताऊँगी। प्लांट लेते समय फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखें कि वो काफ़ी आपका हेल्दी प्लांट हो, कीड़े वगैरह ना लगे हों, और इससे जुड़ी जानकारी मैंने कई बार अपने चैनल पर आपको दिखाई है, तो वीडियोस में आप देख सकते हो रिपोर्टिंग वगैरह का वीडियो। और यहाँ पर ये मेरा है स्थल कमल का प्लांट फ्रेंड्स, ये प्लांट मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, और मुझे किसी भी नर्सरी पे ये दिखता ही नहीं था। मैं पूछती थी तो बहुत सी नर्सरी में लोग जानते भी नहीं थे जो वहाँ के ओनर होते थे, लेकिन यहाँ मैं ऐसी नर्सरी से निकल रही थी जहाँ पर मुझे ये मिला। गर्मी तो बहुत है, और प्लांट भी इस टाइम लेते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मौसम इस तरह से इतना हीट वाला है तो इन्हें रिपोर्ट करने में ये मर भी सकते हैं। लेकिन जब ये प्लांट मुझे कहीं नहीं मिल रहा था और अचानक मुझे दिख गया, तो मैंने ले लिया है। ये कटिंग से लगा जबकि प्लांट है, और प्लांट हमेशा हमें कटिंग से लगा, जैसे कटिंग तो हम खुद भी लगा सकते हैं, तो कटिंग से लगा प्लांट मैं तो नहीं लेती हूँ। और ये चीज़ भी है कि कटिंग से हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन ये प्लांट भी मुझे दिखा नहीं, क्योंकि मैं इसकी कटिंग एक बार मैंने बनाई जो कि मेरी नहीं चली, और क्योंकि वेदर नहीं था सुटेबल। लेकिन ये कटिंग से लगा प्लांट है, लेकिन हेल्दी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सारी पत्तियां काफ़ी हेल्दी हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं ये दो कटिंग लगी थी, तो मैंने ले लिया कि सपोज़ एक नहीं भी चलती है तो दूसरी चल जाएगी। तो इस तरह से मैंने स्थल कमल का ये प्लांट लिया है। इसको आप वो लोग गुले गुलजार कह के गुले आजाब ऐसे करके नाम लेते हैं, मगर मैं इसको स्थल कमल ही बोलूँगी, क्योंकि मैं स्थल कमल ही ढूंढ रही थी और मुझे इसी नाम से पता है फ्रेंड्स। इसमें जो फ्लावर आता है वो 3 कलर बदलता है, सुबह में अलग होता है, फिर दोपहर में अलग होता है, शाम तक वो अलग हो जाता है, तो इस तरह 3 कलर वो वाइट पिंक और रेड लेता है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये प्लांट। तो आप भी ले सकते हो, बस प्लांट आप इसी तरह लीजिए कि वो हेल्दी हो, जैसा कि आप देख रहे हो किसी भी प्लांट में कीड़े वगैरह ना लगे हों। और यहाँ पर इसकी रूट्स थोड़ी सी निकल रही हैं, तो जब तक मैं रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ ठीक है, तो थोड़ी सी मिट्टी मैं ऊपर इसके डाल दूंगी, जिससे कि इसकी रूट्स हीट ना जाए इसमें, या मैं मल्चिंग करूंगी जिससे कि इनको डायरेक्ट रूट में हीट ना लगे, प्लांट में कोई भी दिक्कत ना हो। तीसरा प्लांट मैं आपको दिखाऊँ फ्रेंड्स, ये प्लांट ऐसे पॉली बैग में ही मिले हैं, मगर मैंने इनको ऐसे रखा है, क्यों रखा है वो मैं अभी बताऊँगी आपको। तो ये मेरा है अलमांडा का प्लांट फ्रेंड्स, अलमांडा का प्लांट मेरे पास आप पिंक कलर में देखते हो, अलमांडा में 4 ही कलर आते हैं फ्रेंड्स, येलो, पिंक और ये लेमन और एक पीच कलर। तो मेरे पास ये 3 प्लांट हो गए हैं, और पीच मुझे अभी तक नहीं मिला है। मुझे बहुत पसंद है अलमांडा प्लांट फ्रेंड्स, बहुत ही लो
लो मेंटेनेंस में ये प्लांट आपको बहुत ज़्यादा फूल देता है। आप देखते हो, मैंने संडे गार्डन ओवरव्यू में भी दिखाया, अभी जल्दी आपको, बाकी मेरे पास 2 साल से प्लांट है और बहुत ही हेल्दी और प्यारा प्लांट है। बिना केयर इसमें हमेशा फ्लावर आते रहते हैं। तो अलमांडा को भी आप जरूर शामिल करिए, बहुत ही प्यारा और बहुत ही हार्डी प्लांट है, हमेशा फूलों से भरा रहता है, सिर्फ डॉर्मेंसी पीरियड को छोड़ के विंटर में। अगर कोई सड़ी गली पत्ती आपको दिख रही है तो आप रिमूव कर दीजिए, कीड़े वगैरह तो मैं देख के लाई थी तो इसमें नहीं है। इसी तरह आपको प्लांट कभी भी लेना है किसी भी मौसम में, तो कीड़े का हमेशा ध्यान रख के लाना है, क्योंकि अगर कीड़े होते हैं तो हम देखिए गार्डन नर्सरी में तो बहुत तरह के पेड़ होते हैं, वहां से कीड़े आते हैं अगर तो हमारे गार्डन में होते हैं, जिनको हटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये छुप जाते हैं और फिर हमारे बहुत से प्लांट डैमेज करते हैं। तो हमें हमेशा ये देख कर लाना है कि कीड़े ना हो और हेल्दी प्लांट लाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कई ब्रांचें निकल रही हैं, तो इस तरह से देख कर आप ला सकते हो। तो ये अलमांडा बुश का प्लांट है लेमन कलर में, और तो इस तरह मैंने 3 प्लांट लिए फ्रेंड्स। छोटी शॉपिंग की है क्योंकि मुझे समर में कम ही शॉपिंग करनी है, समर में मैं ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करूँगी, लेकिन ये प्लांट मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने लिया। अच्छा, अब मैं बताती हूँ आपको कैसे रखना, जब तक आप रिपोर्ट नहीं करें, तो रिपोर्ट मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि बार बार बारिश का मौसम हो जाता है कभी कभी, तो जब अभी मौसम थोड़ा चेंज होगा तो मैं सोच रही हूँ मैं तभी इसकी रिपोर्टिंग करूँ, जिससे कि इसके मरने के बिल्कुल चांसेस ना हो, और अगर नहीं होती तो मैं करूँगी, लेकिन अभी तुरंत आप ला के नर्सरी से कभी भी रिपोर्टिंग मत करिए। अपने गार्डन में प्लांट को सेटल होने दीजिए, उसे सूट करने दीजिए, आपका जो एटमॉस्फेयर है आपके गार्डन का, कैसी धूप छांव आप दे रहे हो, शेडी प्लेस में ही रखेंगे फ्रेंड्स और इनको, और आधे घंटे की सुबह की मॉर्निंग धूप लगती है तो कोई बात नहीं, लेकिन शेडी प्लेस में ही आप रखिए। इसके बाद मैंने एक पॉट में इसको रख दिया, पॉट में बॉटम में मैंने एक कपड़ा रख दिया है, जैसे कि जब हम वाटरिंग करते हैं तो वो गीला रहता है, जिससे कि इनमें बिल्कुल हीटिंग नहीं होगी और ये बहुत ज़्यादा सूखेंगे नहीं। सूखेंगे तो देखिए पॉली बैग में बहुत कम पानी आता है, और जब हम पानी डालते हैं तो इनमें छेद भी होते हैं, वो पानी निकल जाता है, तो प्लांट को पानी चाहिए क्योंकि गर्मी है। और इस तरह से इनकी मिट्टी आप देखिए हमेशा मॉइस्चर बना रहे, बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं करनी है, हमको गीला नहीं रखना है, लेकिन इस तरह से मॉइस्चर रहे जिससे कि सूखी ना रहे मिट्टी। इसी तरह आप इसमें भी देख सकते हो। दूसरा तरीका आप ये भी फॉलो कर सकते हो फ्रेंड्स, मैंने ये भी आपको पहले भी बताया कि कोई पॉट इस तरह का हम लेंगे और इस पॉट में मैं इसको रख दूंगी इस तरह से। तो आप अगर भूलते भी हैं कि पानी, जैसे कहीं आप जा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, तो ये नए प्लांट हैं, इसमें पॉट हो तो पानी ज़्यादा रहता है, लेकिन इनमें पानी इतना नहीं है, ये मतलब स्टोर नहीं कर पाएंगे पॉली बैग में, तो आप इस तरह से रख दीजिए। और जब तक आपके नीचे पानी, ये जितना इसको चाहिए होगा ये सक करता रहेगा, तो आपको पानी देने की टेंशन नहीं रहेगी। इसी तरह मैं इनको रख दूंगी ऐसे, तो इस तरह रख कर भी आप इनको छोड़ दीजिए, तो आपको कोई चिंता नहीं है प्लांट को रखने की। इस तरह आप कर सकते हो, या फिर ये तरीका जो मेरा है कि जैसे मैं इस तरह से अगर पानी हम देते हैं ऊपर से, तो जितना एक्स्ट्रा पानी होगा फ्रेंड्स वो कपड़े में जाके वो रहेगा, स्टोर करेगा कपड़ा, और फिर वो कपड़ा गीला रहेगा और इसको सूखने नहीं देगा, मतलब प्लांट को ही बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी मिट्टी, और जिससे ये अच्छा हेल्दी रहेगा। तो यही कुछ जुड़ी बातें थी नर्सरी शॉपिंग करने के साथ साथ, हमें इन बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे प्लांट हमेशा बढ़िया रहते हैं। और बहुत छोटी सी शॉपिंग थी फ्रेंड्स, कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोई आपको क्वेरी हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और आप भी लीजिए प्लांट लेने की कोई ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मत लीजिए, लेकिन इस तरह से हेल्दी प्लांट लीजिए, और ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा ऐसी सीडलिंग वगैरह मत करिए, और ऐसे नाजुक प्लांट मत लीजिए, वो थोड़ा सा रेनी सीजन आने पे आप कोई भी प्लांट ले सकते हो। तो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, और कमेंट करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करिए, अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है तो प्लीज़ हमें बताया करिए, हम उसी से मोटिव होते हैं और आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आप जब पसंद करते हैं गार्डनिंग और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, ढेर सारा ख्याल रखिए अपना, अपने गार्डन का। बाय बाय।